यूक्रेन का मौसम बदल गया है और सर्दियां खत्म होते ही बैटलफील्ड के हथियार भी बदल गए। यूक्रेन के T-55 और T-72 टैंक, ब्रिटेन के चैलेंजर्स टैंक और जर्मनी के लेपॉर्ड टैंक, अमेरिका के अब्राम टैंक और रूस के T-90 टैंक बैटलफील्ड पर अब इन्हीं फौलादी टैंकों के धमाके सुनाई देंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध में दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक शामिल हो रहे हैं। एक तरफ रूस की मिलिट्री फैक्ट्री में T-90 और T-14 बन रहे हैं, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की यूरोप के देशों से एक से बढ़कर एक टैंक हासिल करते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए ज़ेलेंस्की को कौन से टैंक मिले और किन टैंकों का चक्का जाम हो गया। गोला बैटलफील्ड में फिर बोला। यूक्रेन की इस वॉर में टैंक फिर से गरजने लग गए हैं। अब तक जंग में सिर्फ रूस के टैंक धमाके कर रहे थे, लेकिन अब आमने सामने की टैंकों की जंग शुरू हो गई है। अचानक वॉर में यह बदलाव कैसे हुआ ये देखिए। पुतिन का टूर, फैसला क्रूर, लेपर्ड भागा, अब्राम जागा। रूस में पुतिन लगातार टैंक बनाने वाले मिलिट्री कारखानों का दौरा कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे दुनिया को ये बताने के लिए कि उन्हें इस वक्त इस युद्ध में टैंकों की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ड्रोन, बम और हाइपरसोनिक मिसाइलों से ये युद्ध एक बार फिर से टैंकों तक कैसे जा पहुंचा। नाटो ज़ेलेंस्की साइड अगले स्टेज आर्टिलरी फाइट। ज़ेलेंस्की जर्मनी, अमेरिका और पोलैंड से टैंक मांग रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो देश रूस के खिलाफ पूरे दमखम के साथ यूक्रेन के साथ खड़े थे वो टैंक के मुद्दे पर डिवाइड क्यों हो गए। T-90 दहाड़ा, खेल बिगाड़ा, यूक्रेन रोया, टैंक ने धोया। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि बाखमुत की जंग में यूक्रेन की ओर से भी टैंक उतर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन की टैंक कंपनी के कमांडर यूक्रेन के पुराने टैंकों से खुश नहीं हैं। वो जंग के मैदान में तबाही मचाने के लिए जल्दी से जल्दी जर्मनी और ब्रिटेन के नए लेपर्ड और चैलेंजर टैंक चाहते हैं। आजकल वॉर जोन से जो खबरें आ रही हैं, वो तूफान से पहले की खामोशी है। यूक्रेन युद्ध के 11 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन ये जंग सीज फायर की तरफ नहीं जा रही। यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर बहुत बड़े स्तर पर गोला बारूद जमा हो रहा है। जो हालात बन रहे हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि सर्दियों के बाद जंग और भी जोरदार होने वाली है। शुरुआत में रूस की टैंक ब्रिगेड ने कहर ठाया था, इस बार यूक्रेन में टैंक के जखीरे तैयार हो रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका की ओर से यूक्रेन को गोला बारूद के साथ टैंकों से मदद करने के नए ऐलान ने जमीनी जंग के शोलों को और भड़का दिया है। रूस के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक हैं, लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए अब दुनिया भर के शक्तिशाली और आधुनिक टैंक वॉर जोन तक पहुंच रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया है कि अब ये टैंक वॉर ही इस जंग का रिजल्ट तय करेगा।
यूक्रेन का युद्ध टैंकों से शुरू हुआ था। 2022 की सर्दियां बीतते ही रूस के टैंक यूक्रेन में तीन तरफ से दाखिल हुए थे। उनके धमाकों से पूरा यूक्रेन थर्राने लगा था। रूसी सेना की रफ्तार देखकर लग रहा था कि पुतिन बहुत जल्द की ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। रूस के टैंक बहुत तेजी से कीव के पास तक पहुंच भी गए थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि रूस की टैंक ब्रिगेड पीछे हट गई। अक्टूबर 2022 तक युद्ध का मौसम बदलने लगा। पीछे हटते रूस के टैंकों का यूक्रेन के शहरों में कब्रिस्तान बनने लगा। इसके बाद तो चक में हर रोज नए तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। नए नए बम, नई मिसाइलें, नए नए ड्रोन और नए नए धमाके। नवंबर के बाद जंग की जमीन ऐसी रह भी नहीं गई कि उस पर पैदल सैनिक या टैंक जंग लड़ सके। माइनस टेम्परेचर, बर्फ और कीचड़ ने टैंकों का चक्का जाम कर दिया, लेकिन अब बर्फ पिघल गई है, कीचड़ सूख गई है और एक बार फिर टैंकों से जंग की तैयारी नई है। रूस और यूक्रेन में इस वक्त बाकपुर शहर पर कब्जे के लिए भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के पास अभी भी सोवियत एरा के पुराने टैंक हैं, जिसमें T-62, T-64 और T-72 टैंक शामिल हैं। वहीं रूस के पास मौजूद T-90 टैंकों ने यूक्रेनी फौज को एक बार फिर से रौंदना शुरू कर दिया है। रूस के लेटेस्ट T-90M टैंकों का एक बैच यूक्रेन में लड़ाई के लिए भेजा गया है। तास की रिपोर्ट के मुताबिक T-90M रूस का सबसे एडवांस टैंक है। T-90 में T का मतलब है टैंक, और इसमें 90 इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये 1990 के दशक में बना था। T-90 टैंक की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्पीड। इस टैंक की टॉप स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ हो तब भी ये टैंक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है। T-90 टैंक मैदानी इलाकों, रेगिस्तान, दलदली जमीन, यहाँ तक के पानी के अंदर भी चलाए जा सकते हैं। हैरान मत होइए, 5 मीटर पानी की गहराई तक T-90 टैंक अपना काम कर सकते हैं। इसमें 3 लोगों का क्रू होता है, कमांडर, गनर और ड्राइवर। रूस ने 1999 में चेचनिया इलाके में इसका इस्तेमाल किया था। 2014 में यूक्रेन में डोनबास की लड़ाई हुई तब भी T-90 टैंक इस्तेमाल हुए थे। साल 2015 में सीरिया में भी रूस ने इन टैंकों को जंग के मैदान में उतारा था। T-90 टैंक की एक खासियत ये भी है कि ये 2 किलोमीटर तक की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकते हैं। T-90 टैंक में एक थर्मल इमेजर भी है। थर्मल इमेजर शरीर से निकली गर्मी के आधार पर काम करता है और इसके जरिए रात में छिपे हुए और 6 किलोमीटर दूर तक मौजूद दुश्मन को देखा जा सकता है। जर्मनी, ब्रिटेन और बाकी पश्चिमी देशों के टैंक लगातार यूक्रेन पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच यूक्रेन के लिए एक और बुरी खबर है। रूस के मिलिट्री कारखानों में दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंकों में शुमार T-14 अर्माटा टैंक दनादन बनाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले पुतिन रूस के मिलिट्री कारखाने पहुंचे थे और उन्होंने खुद यह सुनिश्चित किया था कि रूस के पास टैंकों की कोई कमी ना हो। T-14 अर्माटा टैंक रूसी सेना का मेन बैटल टैंक है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलने वाले इस टैंक का वजन करीब 55 टन है। इस टैंक को पहली बार 2015 में बनाया गया था। रूस के अर्माटा को नेक्स्ट जनरेशन का टैंक माना जाता है। ये टैंक 125 mm के स्मूथ बोर कैनन से लैस है, जो 10 से 12 राउंड प्रति मिनट की दर से गोले दागने में सक्षम है। इस टैंक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है, जो दुश्मन के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे हेलीकॉप्टर या ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। ये तो बात हुई रूस के टैंकों की।
लेकिन यूक्रेन की टैंक तैयारी भी कम नहीं है। अमेरिका और उसके कम से कम 50 सहयोगियों ने यूक्रेन में नए टैंक और हथियार भेजने की महारणनीति बनाई है। यूक्रेन का समर्थन करने के लिए नाटो और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में कई तरह के टैंक भेजने का फैसला किया है। यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन के युद्ध में टैंक भेजने वाला पहला देश बन गया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन में अपने सबसे एडवांस 14 चैलेंजर 2 टैंक भेजे हैं। अब समझिए कि जमीनी युद्ध के मामले में ब्रिटेन के सबसे ताकतवर हथियार को हासिल करने के बाद यूक्रेन की सेना कितनी मजबूत हो जाएगी। चैलेंजर 2 टैंक ब्रिटिश सेना का मेन वॉर टैंक है। 1998 में ब्रिटिश सेना में शामिल हुआ चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन के लिए युद्ध के मैदान का सबसे आधुनिक टैंक होगा। इस टैंक में 120 मिलीमीटर की गन है। इसके अलावा 7.62 मिलीमीटर की दो मशीन गन भी हैं। इसकी टॉप स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्रिटेन के इस टैंक में 4 लोग बैठ सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस टैंक को अभी कुछ दिन पहले अपग्रेड किया है और इस अपडेट के बाद ब्रिटिश सेना 2035 तक चैलेंजर 2 टैंक का इस्तेमाल करेगी। इस टैंक का इस्तेमाल इराक युद्ध में भी हो चुका है। ब्रिटेन के चैलेंजर्स जर्मनी के लेपर्ड, चेक रिपब्लिक और अमेरिका से मिले T-72, यूरोप के कई देशों से मिल रहे M-55S और D-55 टैंक यूक्रेन को और ताकतवर बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की के इस बयान ने साफ कर दिया है कि अब युद्ध में सिर्फ टैंकों के धमाके सुनाई देंगे। कई विध्वंसक बम और हथियार देख चुके इस युद्ध में, अब टैंकों के गोले के बीच महा मुकाबला होना है।